नमस्कार, बीआरजी न्यूज में आपका स्वागत है। कोरोना वायरस ये एक ऐसा शब्द है जिसका कि खौफ पहले तो केवल विदेश में था, लेकिन अब भारत देश में भी इसका खौफ काफी देखा जा रहा है। ऐसे में भारत सरकार ने एक निर्देश जारी किया है जिसके तहत अब केवल कॉरपोरेट और डिप्लोमेटिक वीजा ही मान्यता मानी जाएगी। जी हाँ, अब हम बड़ोदरा शहर के आज एक जाने माने कंसल्टेंसी में आ चुके हैं, वीजा कंसल्टेंसी में आ चुके हैं, जहाँ पे कि पहले तो भरी हुई दिखती थी ये जगह, जहाँ पे कि विजिटर्स और स्टूडेंट्स वीजा के लिए आते रहते थे, लेकिन अब इस निर्देश के बाद यहाँ काफी खाली देखने को मिल रहा है। और आज हम यहाँ आ पहुंचे हैं और इनसे जानेंगे कि इस व्यापार पे इस निर्देश के बाद कितना असर हो रहा है। सर, जो भारत सरकार ने एक निर्देश जारी किया है कि जिसमें कोरोना वायरस की वजह से भारत का कनेक्शन जो है बाकी के देशों से कट जाएगा कुछ दिन के लिए, तो आपका इसके बारे में क्या कहना है? 13 मार्च 2020 से जो 15 अप्रैल 2020 तक का जो निर्देश जारी हुआ है कि जो बाहर से आने वाले लोग भारत में प्रवेश नहीं कर सकते हैं, उसकी वजह से जो पहले हमारा जो व्यापार था उससे कम से कम 50% से भी ज़्यादा कम हो गया है, कम हो गया है। और उसका असर ये हो रहा है कि हम जो स्टूडेंट्स, हमारे जो स्टूडेंट वीज़ा हुए हैं, वो स्टूडेंट भी अभी जाने के लिए सोच रहे हैं कि हम जाए या नहीं जाए। दूसरे स्टूडेंट्स वह कॉन्टेक्ट कर रहे हैं यूनिवर्सिटीज़ में, तो यूनिवर्सिटी कहती है कि ये हमें नहीं पता है, आप अपने कॉन्सुलेट को बात कीजिए। तो स्टूडेंट्स को भी कन्फ्यूजन है कि अभी हम जाए या नहीं जाए। साथ साथ में हमारे विजिटर्स जिन्होंने टिकट्स किया है, जो टिकट किया है वो भी अभी कैंसिल करने का सोचते हैं। जब कैंसिल करने जा रहे हैं तो उनको 25% से भी ज़्यादा चार्ज देना पड़ रहा है। और टूर्स भी हमारे बुकिंग की थी हमारे कस्टमर्स ने काफ़ी किया था, तो दुबई के लिए किया था, जो यूरोप के लिए किया था, सिंगापुर, मलेशिया, थाईलैंड के लिए किया था, वो भी अभी कैंसिल कर रहा है। तो कोरोना वायरस का असर न केवल विदेश में लेकिन भारत में भी उसका काफ़ी असर दिख रहा है। और हमें लगता है कि ये जो निर्देश जारी किया है सरकार ने, उसमें कुछ थोड़ी नरमी आनी चाहिए जिससे इस व्यापार को जो नुकसान हो रहा है वो कम से कम हो। सर, आपके इस वीज़ा कंसल्टेंसी पे कितना असर हो रहा है, आपके एम्प्लॉयज़ पर इसका कितना असर हो रहा है? हाँ, हमारे जो एम्प्लॉयज़ है, पहले उनको पूरा 8 घंटे का काम मिल जाता था, अब उनको शायद 2 घंटे का ही काम मिल रहा है। आप देख रहे हैं कि पहले से ज़्यादा, पहले जो कस्टमर्स हमारे यहाँ दिन में कम से कम 50 से 100 कस्टमर्स हमारे यहाँ आते थे, अभी अब पूरा खाली जैसा हो गया है। तो कोरोना वायरस का असर विदेश के साथ साथ में भारत में भी काफ़ी दिख रहा है। तो ये तो हमने कर लिया सर से बात, अभी हम जानते हैं यहाँ के एम्प्लॉयज से कि उनका क्या कहना है इसके बारे में। हमने US के वीज़ा भी जो अभी लिए थे, जिसका अभी फिलहाल मार्च के अंदर ही हमें इंटरव्यू के लिए जाना था, लेकिन देम आफ्टर जब आज सुबह आया है, जैसे ट्रंप ने बोल दिया है कि अब कुछ भी एम्बेसी वर्क नहीं करेगी, तो हमारी सारी डेट पोस्टपोन हो गई है। जो फ्लाई करने वाले थे, खैर वो तो नहीं जा रहे हैं, और जो वीज़ा लगे हुए हैं वो भी अब सोच रहे हैं कि हम कब जाए या कब ना जाए, यानी सब कुछ पोस्टपोन हो रहा है। इसकी वजह से हमें बहुत ज़्यादा लॉस हो रहा है। सो अब ऐसा है कि जब सोचने जा रहे हैं कि कस्टमर को क्या दें आंसर, तो वो भी समझने को रेडी होने के लिए भी राज़ी नहीं है, बिकॉज हर किसी को हमें रिफ़ंड भी देना पड़ेगा, और जो फ्लाइट है वो हमें रिफ़ंड का कुछ भी बोला जा रहा है ज़रूर कि आपको रिफ़ंड मिलेगा, लेकिन जब हम कह रहे हैं लेकिन हमें रिफ़ंड नहीं मिल रहा है, तो इस वजह से भी हमें कस्टमर को आंसर देने में और रिफ़ंड करने में या कुछ भी टेकल करने में हमें बहुत प्रॉब्लम हो रही है। तो ये तो इससे तो तय हो गया है कि कोरोना वायरस के खौफ से न केवल सेहत पे बल्कि व्यापार पे भी भारी असर हो रहा है। ऐसे ही ताज़ा तरीन खबरों के साथ देखते रहिए बीआरजी न्यूज़। कैमरा पर्सन अपूर्व चौकसी के साथ रोशनी सिंह। ऐसी ही ताज़ा तरीन खबरों से अपडेट रहने आप हमें YouTube, Facebook, Instagram और Twitter पे सब्सक्राइब, लाइक और फॉलो करना ना भूलें।